Na 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 na. Today, I'm going to school. Nah, I'm just kidding. I'm just getting my school supplies. So yeah, we're going to. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मुझे सुन पा रहे होंगे। हम लोग आ चुके हैं टोरंटो आउटलेट मॉल में हिम्मत की बैक टू स्कूल शॉपिंग करने के लिए। हिम्मत को काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि पिछले साल वो स्कूल नहीं गया है, तो पिछले साल भी हमने शॉपिंग नहीं की और बहुत सारी चीज़ें उसकी छोटी हो चुकी हैं। सो उसे कपड़ों की ज़रूरत है और स्कूल सप्लाई। सो मैंने सोचा कि आज आपको भी हमारे साथ लेके आते हैं और चलिए शॉपिंग करते हैं हिम्मत के लिए। हिम्मत का स्कूल जाने का समय आ चुका है दोबारा और हिम्मत पिछले डेढ़ साल से स्कूल नहीं गया है, तो हमारे लिए अगेन से बहुत ही मुश्किल होने वाला है उसे दोबारा से स्कूल में सेंड करना। मुझसे ज़्यादा हस्बैंड को इस बार फील हो रहा है कि वो स्कूल चला जाएगा तो क्या करेंगे, और वो हिम्मत को कह रहे थे तुम प्लीज़ स्कूल मत जाना, क्योंकि जब आप एक साथ रहते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं और मुझे और हस्बैंड को तो आदत है कि हिम्मत को हम एक पल भी दूर रहने नहीं देते हैं। अगर हम घर में हैं, हम डाउन स्टेयर हैं, वो हमारे साथ डाउन स्टेयर रहेगा, अप स्टेयर आएंगे वो आएगा, हम उसे उसके रूम में भी अकेला रहने नहीं देते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ही आदत है एक दूसरे के साथ रहने की। सो काफ़ी मुश्किल होने वाला है हिम्मत के लिए भी है एक्चुअली मुश्किल, पर हम उसे उसके सामने नहीं कहते हैं कि हमें मुश्किल होने वाला है, या उसे हम एक्साइट ही कर दें कि तुम नए दोस्त बनाओगे, नई टीचर मिलेगी, तो फिर वो एक्साइट हो जाता है। और जब आप बैक टू स्कूल शॉपिंग करते हैं तो फिर उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा आ जाती है कि सामान को यूज़ करना, बैकपैक को पहनना। काफ़ी समय के बाद हिम्मत स्कूल में जाएगा। ग्रेड वन तो उसने घर में रह के ही किया है। स्कूल में जाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत डर ये भी लग रहा है क्योंकि बच्चों की अभी वैक्सीन नहीं हुई है और हिम्मत का इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ये डे केयर में नहीं रहा है। तो जब इसने स्कूल जाना शुरू किया था तो काफ़ी बार बीमार हुआ था, तो इस जब अक्टूबर में फ्लू शॉट्स लगने वाले हैं तो इसे मैं फ्लू शॉट्स लगवा दूंगी ताकि ये रेगुलर वाला फ्लू भी इसे ना हो। तो यहाँ काफ़ी स्केयर्ड हैं हम लोग एंड पर यस, डिसीजन लिया है मैंने और हस्बैंड ने कि हम इसे सेंड करेंगे स्कूल। देखते हैं कि कैसे चलता है माहौल, अगर सही स्मूथ चलता रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे हम इन पर्सन, पर अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा। सो या जब भी हमें लगेगा कि कोई भी डाउट है तो हम चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन कर लेंगे या कुछ भी। सो यस, आप मुझे ज़रूर से बताना कि आप इन पर्सन भेज रहे हैं अपने बच्चों को या आप ऑनलाइन करने वाले हैं। हिम्मत के कई दोस्त तो जाने वाले हैं पर कई दोस्त ऑनलाइन ही चूज़ कर रहे हैं, पर हम एक्साइटेड भी हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सारा कुछ बहुत अच्छा जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, सो फार हमने ओल्ड नेवी से कुछ चीज़ें खरीदी हैं चिल्ड्रन प्लेस से। वैसे बहुत मज़ेदार सेल्स नहीं है यहाँ पे और हिम्मत काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी किस्म का ही है क्योंकि उसे चाहिए ड्रिंक ब्रेक, जो उसे अंदर आते ही चाहिए थी। सो डैडी भी नाखुश किस्म के लग रहे हैं क्योंकि उनकी जेब हल्की हो गई है। सो आई एम द ओनली वन हु इज हैप्पी। डैडी फेवरेट स्टोर प्यूमा। No, it's not. Yes, it is. So, इस स्टोर में इतना लाउड म्यूजिक है कि क्लब भी लग रहा मुझे तो। So, this is cute me, Minnie Mouse me, and my son who is not very happy. मेरे पति शूर लाला के नहीं रजते हैं दोस्तों। कई लाला के तो डब्बे भी नहीं खोले। Guys, I almost forgot कल मेरा बर्थडे है। It's my birthday tomorrow. That's why I'm buying gift for myself. That's why you're buying for yourself. So back to school में सर्दियों वाले कपड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि पलक झपकते ही सर्दियाँ आ जाएंगी और हमें सर्दियों वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैंने सोचा कि कोलंबिया में जाके स्नो बूट्स देख लेते हैं, पर हिम्मत का साइज़ नहीं मिला है और मुझे लगता है दोबारा जब फॉल आएगा तब शायद कोई अच्छे प्राइजेस मिलेंगे तो तब देख लेंगे।
और या यहाँ से हमें कोई चंगा चीज़ हाथ नहीं लगी है, लेट्स गो नेक्स्ट स्टोर। और एक दोस्तों, तो हम हैं माउंटेन डिज़ाइन में और मैंने हिम्मत के लिए बहुत ही प्यारे ये फ्लीस वाले टॉप लिए हैं मैंने, क्योंकि जब ये क्लास में रहता है तो टी शर्ट के ऊपर ये पहनेगा तो वार्म रहेगा। सो बहुत अच्छे प्राइस पे मिले हैं मुझे, आई थिंक पूछना पड़ेगा मुझे, 1 के साथ 1 फ्री मिलने वाला है। हिम्मत के साइज़ के 2 ही पीस हैं तो दोनों लेने वाली हूँ मैं। आई विश की और होते, मुझे 4-5 तो चाहिए होते हैं ताकि वो पूरा वीक पहनता रहे और देन वॉश कर लें। हस्बैंड हिम्मत के हैंड सैनिटाइज कर रहे, क्योंकि ए नहीं चला नहीं रहता है, हर जगह इतने हाथ मारता है कि पूरी तरह कंटेमिनेट हो जाता है। हिम्मत दी बैक टू स्कूल शॉपिंग है, जड़ा बंदा स्कूल नहीं आता शॉपिंग नहीं कर सकता, ये स्कूल ज्वाइन कर लो। सो हस्बैंड अपने लिए विंडो शॉपिंग कर रहे हैं एंड मैं और हिम्मत बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लें। गाइस, आई एम गेटिंग दिस लेमोनेड साइज, गाइस दिस टेस्ट सो गुड, व्हाट इज इट? And Himmel got lemonade, guys, because it's very very hot and daddy stop stealing. Okay, din to abhi gloomy ho chuka hai, to ab gumji hai and everything's better, but inna dono ne decide kiya hai lemonade peene ka. Himmel pee raha hai strawberry flavor and daddy pee rahe hai mango. Daddy mango sari cheezon mein ghuseed rahe the. Himmel wants mango. Mango is good actually. All right, to in dono ne le li hai lemonade and share nahi karne ke chakkar mein do le li. हस्बैंड है गैप के स्टोर में, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, पर मैंने 2-4 चीज़ें ली हैं हिम्मत के लिए और हिम्मत ब्रेक ले रहा है अपनी ड्रिंक की, तो हमने सोचा कि इस एरिया में बैठ के आराम से पी लेगा। और अभी मैं मेरी ड्रिंक खाली वाला बिन में फेंकने के लिए गई थी और मुझे बोला था कि मैंने किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं की, बट मैं आई सॉ यू टॉकिंग टू समवन, यू विल लुक एट माय आई। नेक्स्ट टाइम गेट पीच, ओके, बिकॉज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यू कांट इवन फील इट। ओके, मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट शॉपिंग से डन है और कुछ ही देर में ये मॉल बंद भी हो जाएगा और हमारे पास कोई और स्टोर तो बचा नहीं है जाने के लिए। मोस्टली हमने सारी चीज़ें खरीद ली है ज़रूरत की, पर ज़्यादा जो सर्दियों का सामान है वो फॉल में ही आने वाला है, सो दैट स्ट्रेंजर इज जस्ट लुकिंग। ओके, दैट स्ट्रेंजर इज पति। हम कहाँ पे जाएंगे हस्बैंड? आई एम वेरी हंग्री, आर यू हंग्री? आई एम ओके। यू नो दैट जस्ट व्हाट द फ्रेश इन, सो वी वेंट इन द हेयर आयरन, दैट वाज सो फन, आई लाइक वो लाइक आई जस्ट डिड लाइक नॉट लाइक दिस। Balls will fall when my tears crawl down the skin that traps me. सो अब ले रहा है हिम्मत हैंड वॉशिंग ब्रेक, क्योंकि उससे हैंड वॉश करने होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को टच किए बिना रहता नहीं है, अब वो ड्राई कर रहा है। सो मेनी किड्स आए हैं बाहर आज बैक टू स्कूल शॉपिंग करने। लुक एट दिस क्यूट गर्ल्स हेयर, यू लाइक इट? शी इज सो ब्यूटीफुल, राइट? Hair like her. I really wish. You did. I have a very short hair. My hair is not good. They're just not so good. And you're beautiful the way you are. Thanks. You think it's like the way you are, Zandy? No, it's not. Himmel kehta tu hamesha kehti rehti ho beautiful the way you are. ये सुन के ये मत सोचना वीडियो एंड हो रही है, वीडियो इज नेवर एंडिंग। सो शॉपिंग कर करके हिम्मत बुरी तरह थक चुका है एंड ही इज रिलैक्सिंग नाउ, पर वो लेमनेड ने, शिकंजवी ने इसको काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन कर दिया है और रब ने भी कूल डाउन। डैडी एवरीथिंग व्हाट? वी डोंट वांट टू टेल यू। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हस्बैंड है मुझे लगता है एडिडास स्टोर में। ओके, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ना मुझे मैसेज किया है हैप्पी बर्थडे, आज 25th है, कल है बर्थडे। इसने देख लिया और ये बेचारा इतना उदास हो गया तब से, कह रहा कि मैं
अभी डेकोरेशन नहीं की, ओ माय गॉड बहुत बहुत काम खराब हो गया। कह रहा कि मैं डैडी से सीक्रेटली बात करना चाहता हूँ कि क्या क्या डेकोरेशन करूँ, और डैडी है नहीं यहाँ पे। मैं क्या मैंने दस दे करना नहीं, तेन नहीं दस सारा इस सीक्रेट। चारा काफ़ी परेशान है। मीमी लिसन, आई डोंट नीड डेकोरेशन, I don't need it. I don't need decoration and I don't need any present from you. I just need your love and huggy puchy. मुझे कह रहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बर्थडे परफेक्ट हो, हर चीज़ परफेक्ट हो, और उसके लिए कह रहा डेकोरेशन का होना बहुत जरूरी है। कितों लगेगा ऐसा सन गाइस? सन आई एम हैप्पी विद यू। नो आई डोंट नीड। डैडी के साथ बातें कर रहा है कि मम्मी का बर्थडे है, हमने मिस कर दिया है। किदा दिया तू ही मेरा मुंडा, कितना प्यारा आया। तू ही कहंदे लोड़ नहीं आ तेरे सामने थोड़ी ना, मैं सब कुछ दा दे प्यारी। तू पता की करना वे गाइस, आप मुझे इतने सालों से देख रहे, हर बर्थडे मेरा पति एदी कर दिया। इन्हें नहीं कहना शाम नू जाऊंगा, कल जाऊंगा, फिर कहेंगे हूँ दंग गया लीव इट। सो सीक्रेटली डैडी से बात कर रहा है कि कितना जाए, पर डैडी यार इट्स ओके, शी इज़ नॉट बेबी। डैडी हर चीज़ हर तरह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लेना ना पड़े। ये पति ऐसे क्यों होते हैं दोस्तों? सो अब हम हैं 5th Avenue में, सो यहाँ से हिम्मत के लिए कोई चीज़ें देखी जाएंगी। मैं अपने लिए भी देखने वाली हूँ। नाउ इट्स टू मच नाउ गाइस, अ कूलर मिनट, आई गॉट शी guys, I get cheat a zillion times. Not that too much, it's like one time. What? Zillion times is not too much. It's like 10 times a one. Okay, cute. And then guys, why are you looking at me? Stop looking at me! दोस्तों तो हिम्मत की काफ़ी ज़्यादा हमने शॉपिंग कर ली है, और मैंने हिम्मत को कहा है कि वो घर जाके आपके लिए एक हॉल कर दे। होपफुली वो घर जाके भी मूड में रहेगा हॉल करने के, तो करेगा, क्योंकि अगर वो आपको चीज़ें दिखाएगा तो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। कि ये सारा सामान तो हिम्मत का ही होने वाला है, और मुझे बहुत बुरी तरह भूख लग चुकी है। और नहीं दोस्तों, तो मैंने और हिम्मत ने प्लान किया है कि हम क्रेजी चैलेंज वीडियोज़ करेंगे, जिसकी हमें बहुत सारा मैसेजेस आते रहते हैं हिम्मत के टीवी पे, हिम्मत के चैनल पे। सो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं क्रेजी मॉमी एंड हिम्मत चैलेंज वीडियोस, तो हिम्मत टीवी पे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आप हमारी ब्यूटीफुल वीडियोस मिस कर देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कहीं कहीं डैडी को भी लेके आए चैलेंज वीडियोस में, और हमने बहुत सारी अच्छे प्लान्स बना के रखे हैं मेरे और हिम्मत की वीडियो के आइडियाज जो आपने सजेस्ट किए हैं। सो हिम्मत का जो चैनल का लिंक है मेरे फीचर्ड चैनल्स में है, और मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी, तो आप जल्दी से जाएं और फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे बहुत प्यारी वीडियो। गाइस कम हॉट बाय माय कूपी टाइम, मॉम जस्ट सो सिली, इट्स लाइक ओपन गाइस, आई एम ईटिंग माय कूपीज एंड इट्स हार्ड टू ईट बट इट्स ओके, मे बी आई ग्रैब माय कोट हेड फॉर द डोर। ऑलराइट दोस्तों, तो घर हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, पर बहुत भूख लगी है, और मुझे घर जाके वीडियो एडिट भी करनी है, और इस वीडियो को भी फिनिश करना है क्योंकि हिम्मत हॉल करेगा। सो हमने क्विकली हमारे लिए थोड़ा फूड पैक किया है, उसमें है समोसे, आई नो ज़्यादा फैट वाले, पर समोसे अच्छे लगते हैं हमें स्पेशल स्टोर के। समोसे खा रहे हैं हम लोग, और बिरयानी, चिकन बिरयानी। बिरयानी, नान एंड समोसे, एक बाइट मैंने खा ली है, और मैंने अनियन सैलड बनाया, उसके बिना हमारा सच्चा नहीं है। किड्डा गुड। ओके दोस्तों, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और बिरयानी जब हम खाते हैं, और मैं चिकन नहीं खाती हूँ, आई डोंट नो ऐसा मरीज है, मुझे राइस ही खाने होते हैं, तो इसमें मैंने राइस डाल लिया है। चिकन एंड एवरी थिंग हस्बैंड एंड हिम्मत को जाएगा। गाइस हिम्मत पहली बार समोसा ट्राई कर रहा है। मिमी आई डोंट नो वो हंगरी है या उसका अचानक से दिल कर गया, हमने जब पुश किया उसने नहीं खाया। मिमी कितना लगा? मजे। ओके तो बिरयानी भी अच्छी है, लाइट सी। दिस इज हिम्मत बिरयानी। विल यू वांट टू सिट क्यूटी? या बिकॉज़ आई वांट
samosas too. ਤੇ ਲੰਨੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮੁੰਡੀ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਅੱਜ ਸੋ ਹਣਾ ਵਧੀਆ ਆ ਅੱਜ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇਤੀ ਹੂੰ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एवरी डे वीडियो पोस्ट करें सो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें एंड नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर करना क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड होती है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और दोस्तों मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ज़रूर से फॉलो करें उनके लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों चुंगू पुंगू को भी कर लेना इन दोनों का भी है चुंगू पुंगू में फाइट चल रही है कि कौन पहले एक दूसरे को क्रॉस करता है सो फार हिम्मत इज विनिंग गाइस खाने के बाद आपको मिलती हूँ भोजन अच्छा है Now it's time for haul. I'm done eating. Guys, I'm gonna show everything one by one. Are you ready? Oh, you are? That was pretty quick. I'm gonna do the school supplies first, then the clothes. First, I got some few notebooks. This one is 108 pages. And I got some cool pencils. I got some crayons. And I got some glue. You know, I need glue to make many stuff. I got the pencil thing, sharpener. And this is my tape, Super Mario backpack. And there's a lunchbox inside and pencil case. I'm gonna show you how it fits. It's gonna fit perfectly, I know. I'm just going to say, bye, mommy. Okay, I just got 1,160,000,000,000 erasers. We need erasers. I have so much erasers. Because you do so many mistakes. You do so many mistakes. So finally, it's time for the clothes. Guys, I just got this red shirt. This is for the fall, guys, you know. And next up is this for fancy. Fancy, first I'm gonna wear this for school. One more beautiful shirt. Okay, do a beautiful jacket. You're gonna be black. You're gonna be famous. I'm gonna get, I have a bullet coat here. I'm cold. Oh, I got some snow pants. I'm just kidding, it's not cold. So these are my snow pants, then it turns like winter. Okay, then a new iron. Oh god, I'm even colder. I need this. I got a snowsuit, it's so heavy. I'm winter ready. You know, this is a beautiful jacket and a beautiful jacket inside is cool. I wish I could try for you. I need to do it. I just need to do it for you guys. I just need to do it for you guys. Actually, it's pretty comfy actually. Pretty velvet. Oh my god. To stay warm inside this. You think there's one kurti here? No. I just breathed it. My mommy got two more warm kurtis. Oh, now it's one. Now it's two. You know, I was wearing this in the beginning. Inside is so soft, so you saw this already, so you're skipping. My mommy got beautiful sweatpants. You think this one? I got three sweatpants, and actually this is fixing me. Okay, so we're putting this in the pajamas. So one more one sweatshirt. I'm gonna look like an army man. Mommy got some silver stuff to be fancy, and this is my shirt for barbecue picnic. One more picnic day shirt. Maybe like then I go to water, I could get this. Mommy got me new swimming shorts. Oh my god, okay. I could go, this is me, gym shirt, or it's like, it's a gym shirt and a running shirt, and it's a like a park shirt too. It dries up really quickly. I got some diamond shorts. One more shorts for next. This is really nice summer t-shirt. Yeah, this package actually, if you don't know. And my mom said we are going to get some in fall. So, yeah, that was my back to school haul. Did you guys enjoy? If you like this video, subscribe.
to Mama channel and my channel and thumbs up. Bye. I'm gonna go to school. I'm just kidding. I'm just gonna enjoy my life, watch some TV, eat some popcorn. Hug my beautiful Kiku. Show's over, guys. Show's over. ऑल राइट दोस्तों, तो इसी तरह हिम्मत ने हॉल कर दी है. उससे हॉल करवाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो कई बार बहुत लाउड बोलता है और कई बार बहुत ही धीरे, सो बहुत मुश्किल था. तो फाइनली हमने कर ली है. शॉपिंग के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें समर वाली मिली, तो मैंने बड़े साइजेस में ले लिया कि अगले समर में हिम्मत यूज़ कर पाएगा. सो या इसी तरह हमारी ये बैक टू स्कूल शॉपिंग वाली वीडियो कम्प्लीट होती है. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना. और अगर आपके पास कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो मुझे ज़रूर से बताना, हम ज़रूर से उस पर काम करेंगे. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय.